75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ध्वजारोहण किया और देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद माला राजलक्ष्मी शाह, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल समेत बीजेपी के तमाम पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ननब को लेकर कहा कि उत्तराखंड सरकार ने 15 दिनों के लिए यूसीसी समिति का कार्यकाल बढ़ाया है। 26 जनवरी को यूसीसी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। समिति द्वारा अभी रिपोर्ट सौंपी जानी है, इसको देखते हुए ये कदम उठाया गया है। सीएम ने कहा कि ड्राफ्ट मिलते ही विधानसभा का सत्र बुलाकर समान नागरिक संहिता कानून पूरे उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस की सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। ये गणतंत्र दिवस हम सभी के लिए विशेष है। हम सबके जीवन में अभी अभी भगवान राम की जन्मभूमि पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से देश के अंदर राम युग आया है। सभी अच्छे काम शुरू हो गए हैं। भगवान सूर्यदेव उत्तरायण में आ गए हैं। उनके उत्तरायण में आते ही देवताओं के दिन आ जाते हैं, अच्छे दिन आ जाते हैं, मंगल दिन आ जाते हैं। जहाँ भगवान राम की प्रतिष्ठा हुई है, वहीं जो आपने कहा है यूसीसी के लिए भी हमारी कमेटी ने अपना काम अंतिम चरण में पहुंचा दिया है। उन्होंने काम कंप्लीट कर लिया है। जल्दी हमको ड्राफ्ट मिलने वाला है। अभी 15 दिनों का कार्यकाल हम लोगों ने यूसीसी कमेटी का बढ़ाया है। कुछ उनको ज़रूरी औपचारिकताएँ पूरी करनी है और वो जैसे ही उनकी औपचारिकताएँ पूरी हो जाती हैं हमको ड्राफ्ट मिलेगा और जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के तहत हम आगे बढ़ेंगे यूसीसी को लागू करने की दिशा में।